करण लगने से संविदा कर्मी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिवार का रो रोकर बुरा हाल। बता दें कि बरकत अली दलपतपुर बिजली घर में संविदा कर्मी के पद पर तैनात था, जो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। बता दें कि संविदा कर्मी बरकत अली लाइन पर मरम्मत का कार्य कर रहा था। पता नहीं किस तरह से शटडाउन के बाद लाइन वहां पर आ गई और उसकी मौत हो गई। उसकी मौके पर ही मौत होने से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक बरकत अली के 3 बेटे और 4 बेटी हैं और किसी भी बच्चे की अभी तक शादी नहीं हुई है। बरकत अली ही घर में अकेला कमाने वाला था। अब परिवार के सामने जी क्या नाम है आपका? भूषण राहत अली नाम है सर मेरा। जी साहब भाई क्या मामला है? देखिए मामला ये है, हम तो साहब अपने ससुराल को आए थे जी, खाना खाने बैठे, इतने खबर आ गई, रहमत अली बोला कि वो बरकत अली की चोट लग गई। चोट क्या आ गया, थोड़ा आदमी अंदर नहीं गई, ख़त्म हो गया। हम उठा कर जब चल पड़े, हम अस्पताल पहुँचे तो अस्पताल में कुछ नहीं बोले कि वो हो गए पोस्टिंग जहाँ होता। हम वहाँ पहुँचे तो पुलिस ही पुलिस ही, हैं भी पुलिस ही और हूँ पुलिस ही, कोई बिजली का महकमे वाला कोई नहीं आऊँ, कोई भी नहीं आऊँ, ये बात थी। तो फिर आपने उसको जो बॉडी पड़ी हुई थी उसको कौन लेके गया था वहाँ से? ये पता नहीं कौन ले गया, पुलिस ले गई भतीजे ही। पुलिस ले गई? हाँ, पुलिस वालों से हमने पूछी, हमने पुलिस वालों से पूछी। कितनी देर बाद पहुंचे? तो हम एक घंटे आधे घंटे बाद। सिट डाउन लिए चढ़ गए थे क्या? सिट डाउन लिया है। सिट डाउन किस कर्मचारी ने दिया है, कुछ मामला सामने आया यार? ये पता नहीं कितने दिया है। आपने किसी को तहरीर दी? तहरीर दी हमने किसी आला अधिकारी से। हाँ, वकील साहब भी करे हमने। बिजली घर के किसी अधिकारी से कोई शिकायत नहीं? वो मिले ही ना, तो हम किससे करते शिकायत? कोई नहीं मिला ना, सब फरार चल रहे हैं। फरार।